से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, आज ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी कहने लगी है पंडित जी तुम हमारी चिट्ठी लिए जाओ। और रुक्मिणी ने रोए रोए की चिट्ठी लिखी है। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर के जाते हैं और समस्याएं द्वारिका बहुत दूर है, दृष्टि के एटा से 750 कोस दूर है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज 22 समय पर ब्राह्मण देवता जा रहे हैं लेकिन रास्ता में नींद आ गई, नींद आ गई, ब्राह्मण देवता सो जाते हैं। भगवान ने अपने देखो एक चीज आपको बता दें, थोड़ा समझ लेना, पंडित बिचारे चिट्ठी ले गए लेकिन रास्ते में सोए गए, रास्ता में सोए गए। अब चिट्ठी कौन ले जाए बताओ, अब कौन चिट्ठी ले जाए? कन्हैया की चिट्ठी रुक्मिणी ने भेजी है, पंडित सोए गए। हम आज तुम्हें एक बात 100 नंबर की बताए दें, पंडित सोए जाए, पंडिताई सोए जाए, घरवाले सोए जाए, घरवाली सोए जाए, अगर बढ़िया लगन है तो भगवान कभी सोने वाला, अच्छी अगर लगन है तो। और भाई अगर लगन गड़बड़ है, दिन भर करता सीताराम सीताराम, देखो याद रखिएगा, हम तो एक ही बात कहते हैं, अच्छा अगर भाव है भाव से भजोगे भव से बेड़ा। भगवान ने चार देवगण बुलाए और चार देवगण बुला करके ब्राह्मण देवता को वहां से उठवा लिया, ज्यादा नहीं कुछ कह करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। ब्राह्मण देवता ने जाकर के भगवान कन्हैया को चिट्ठी दे दी और जब भगवान कृष्ण को चिट्ठी मिली है तो भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, भगवान को बड़ा दुख लगा कि हमारे पीछे रुक्मिणी को इतना बड़ा कष्ट। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देवता मेरे आगे एक मजबूरी है, मजबूरी ये है कि हम द्वारिका में 56 करोड़ इंद्रवंशी हैं, 56 करोड़। याद रखिएगा, एक भक्त हमसे कहने लगे कि पंडित जी शास्त्री जी मुझे ये बताओ कि 56 करोड़ इंद्रवंशी कितना बड़ा घर था जहां रहते थे। मैं आज आपको बताऊंगा, द्वारिका गर्ग संहिता पद्म पुराण में बताया गया द्वारिका जो थी 48 कोस की लंबी थी, सर्व सोने की 48 कोस की लंबाई थी द्वारिका की, जिसमें भगवान श्याम संपूर्ण परिवार के साथ रहते थे। भगवान कहने लगे हम इतने बदनाम है हम निकल नहीं पाएंगे। पंडित कहने लगे बताओ कैसे चलियो श्याम, ना ही चलियो वह बिटरिया मर जाएगी। भगवान बोले हम बताए एक रास्ता है, भगवान बड़े छलिया थे। भगवान बोले अच्छा पंडित एक बात बताओ, तुम झूठी कह ले तो। पंडित कहने लगे काकी कि तुम झूठी कह ले तो। पंडित बोले का शादी का मामला है, हाँ अगर तुमने झूठी कह ले तो ब्याह हम कर लेंगे चल के। पंडित कहने लगे चलिए पक्का कि हाँ, फिर आप खूब झूठी कह ले, कितनी झूठी कह रहे। पंडित बोले झूठी के अगर पूछो तो कुछ दिन पहले हम झूठी के ठेकेदार थे, तुम कहो कितनी झूठी कह लगी हो। भगवान बोले तुम एक चाल चलो, देखो भगवान ने एक चाल बताई, भगवान कह लगे चाल चलियो पंडित तो फिर हम शादी कर लेंगे। कैसे कि हम जब बलराम भैया के सामने चलेंगे, अच्छा धन्यवाद। देखेगा ये मान्य श्री पप्पू यादव की तरफ से 501 मुद्रा दान हुए हैं और कल से ये 5 दिवसीय भागवत का आयोजन होगा और जिसमें सब लोगों से कहना है भाई विशाल भंडारा भी है 5 अप्रैल को और समस्त भक्तगण वहां पर सादर आमंत्रित है और सभी लोग बड़े भाव से वहां पे सब लोग जाएंगे। क्यों देखिए तो भगवान की चर्चाएं हैं और सब लोगों से कहना है कहीं भी भगवान की चर्चा हो लेकिन सब लोग उसमें सहयोग देंगे। प्रेम से लोगों को भगवान की आइएगा कथा। अब भगवान यहाँ पे थोड़ी बात समझ लीजिए फिर आगे बढ़ा देते हैं। भगवान कहने लगे हम एक चाल चलेंगे, बड़े छलिया थे भगवान। कहा बलराम भैया के सामने जब पहुंचेंगे तुमसे कहेंगे पंडित चलो तुम अपने घर ही जाओ, तो बलराम कहेंगे श्याम
ब्राह्मण को ठहराओ, सुबह भेजेंगे। और जब सवेरे तुम्हें हम भेजन चले तो मालूम क्या करियो, जब फाटक पर पहुंचियो और तब एकदम बंद से पीछे गिर जाइयो और मालूम कैसे करियो, ऊपर के साके भरन लगी हो तो हम जा कह देंगे बलराम भैया ब्राह्मण बूढ़ो है जब वो फेफड़ा फटियो, तब बलराम भैया कहेंगे जा ब्राह्मण को रथ पर बैठा के घर कर आओ। अब हम रथ पर बैठा तुम्हें घर कर घर छोड़न चलेंगे और उधर से ब्याह दोनों सब करके ले आएंगे, क्यों घर इन करीब को आदेश सुनाए हैं हमें, तो आज वही हुआ। मैनेजर भैया निवास प्रवासी 115 भगवान चौड़ दान की जय जयकार हो। जय नमस्ते जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में संध्या समर्पित हुए हैं। जय जयकार हो, हमेशा सुख शांति बहुत रहे और कभी भी धन दौलत से झोलियां खाली रहे और हमेशा हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। प्रेम स्वरूप गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही हुआ, ब्राह्मण देवता जब सुबह हुआ और जब विदा किए गए, आगे आगे ब्राह्मण, पीछे पीछे बलराम, बलराम पीछे श्याम, और जहां पंडित जी फाटक पर पहुंचे, हाय पंडित एकदम पट से पीछे गिर गए। अब पंडित ने गोड़े सदर करते मुंह फैलाए दो, बलराम कह लगे श्याम ये क्या हुआ, तो नहीं आ कहने लगे बलराम भैया देखो लीला बनी भैया, अगर कहूं ब्राह्मण मरेगा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बलराम से कहा बच नहीं पाओगे, बलराम कहने लगे कैसे बचेगी, भगवान कहने लगे शास्त्र बताते हैं अगर ये तुम्हारी भूमि में तुम्हारे द्वारिका में मर गए तुमको हत्या लगेगी, लाबो जल्दी इनके घर ही पहुंचाए दे। बलराम बोले जल्दी इतनी कैसे हो पाएगी, भगवान बोले वो सफेद घोड़ों वाला रथ जो 6 घोड़ा सफेद है पवन के समान चलते हैं, पवन विश्वकर्मा भी 50 मीटर मान के जीने का रो, आज बलराम भोले वाले नहीं समझ पाए और भगवान जो है उस रथ पर सवार होकर ब्राह्मण को लेकर के चलते हैं। और इतनी तेज भगवान ने रथ उड़ाया ब्राह्मण देव समझ नहीं पाए, भगवान कुंदनपुर में आ जाते हैं दक्षिण वाली दिशा में। भगवान बोले अब कहां जाए, तो पंडित बोले सुनो जो मंदिर सामने दिखाए रहो तुम मंदिर पे चलो, और अभय रुक्मणी को हम मंदिर पे पूजा के बहाना भेज देंगे। और पहले रुक्मणी को हरण होएगा हमारे घर पे द्वारिका में पड़ेगी जाके, और तुम वहां चलो अभय हम रुक्मणी को भेज रहे। भगवान चले गए मंदिर की तरफ और पंडित गए घर की तरफ। अब रुक्मणी आंगन में बैठी, सवेर होएगा मेरे पंडित पहुंचे होंगे कि ना पहुंचे होंगे, मेरे कन्हैया आवेगे ना आवेगो। आज रुक्मणी बैठी बैठी हिसाब लगाए रही, जमीन को उंगली से खदोए रही, मेरी चिट्ठी मिली होगी कि ना मिली होगी, तले पंडित पहुंचे आएगा पंडित जी हाँ बताओ बताओ पंडित मेरे श्याम कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है। पंडित कहने के लड़की अगर मिलना है तो आरती सजा ले और आरती की बहाना मंदिर पे चली जाए, जहाँ जावा तो बताई बिटरिया भाग खड़ी भाई, क्योंकि पंडित अभी तुम जाओ अब तुम जाओ। पंडित कहने लगे बिटिया काम नहीं करी वो पहचानती ना, अरे भाई जाता पूछ लेती भूखे हैं कि प्यासे है, इनकी सरकार वैसे ही हो। तो रुक्मणी कहने लगे नायक पंडित हम तुम्हें बहुत चाहते लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे कन्हैया की जो सवारी मंदिर से मिलाएगी, पंडित जी अगर हम तुम्हें भोजन कराओगे मेरे श्याम इंतजार में कि चले जाएंगे तुम्हारी मेहनत खराब चली जाएगी। अरे भोजन तुम्हें कराओगे पंडित तेरे बहुत हो जाएगी, मेरे कन्हैया की जो सवारी मंदिर से मिल जाएगी। सुनो पंडित जी तुम्हें ऐसा करियो, तुम्हें ऐसा करियो सुनो, और यहां से जावे चली तो सासुरिया जब
तुम यहाँ से चली जाए, मेरी सास भर आई और पंडित तुम्हें रबड़ी खिलाओगे रबड़ी। और यहाँ से जाओ चली के पंडित सास भर आई हो, अगना पीछे न बैठे पंडित भोजन अच्छी भरी खाई हो। मेरी सास घर आई है, सास घर द्वारिका, तुम्हें बढ़िया बढ़िया रबड़ी खिलाऊंगी और मालूम क्या करूंगी। और जहां को बुलवाई के पंडित की तुम्हें सुनाऊंगी। हमें जान दो, और कई कन्हैया चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और हमारी सास भर आई है तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन कराऊंगी। हाय जहाबाद जब कही है तो ब्राह्मण का बताया गया, पंडित का हृदय कोमल होता है। जाओ बिटिया तुम्हारो कल्याण हो, ये पंडित बेचारे भूखे प्यासे चले गए, चली गई। अब रुक्मिणी ने आरती सजाई, दो लड़कियां रहती थी रखवाली पर, बे लड़कियां आई रुकमु कहे दो तो काओ से बात मत करियो। अब बे आरती सजाए के जब रुकमणी चल एक पांव देरी की बाहर एक भीतर, हाय तोले रुकमणी ने सोची कि भैया हमारो खराब कर रहो मेरे साथ, हमारे मैया पिता कमरा बंद है, चलो चल के मेरा ताला पड़ा है और चलो नमस्ते तो करिए ले। हाय जब देहरी पर बैठ गई तो लगी मैया, ओ मैया, ओ मैया भीतर बंद, पितु भीतर बंद, बिटिया रुक्मिणी काय को रोए रही, कई मैया हमारो मन जा के रहा तुम्हार छाती से लग के रोए ले नाए, कल परसों तुम्हारो भैया जब शादी करे शिशुपाल के संग तब रोए लियो, तब रोए लियो के नाए मैया हमारो मन जा के रहा आज ही रोए ले। नाए बिटिया जब शादी होए तब रोइयो तो कहां लगी जा, तुम आज ही समझ लो हमारी आज ही शादी हो, सही नाई बताई। अब रुक्मिणी जो है वहां से कि जा रही ससुरारी, दुल्हिनी बन के जा रही ससुरारी, दुल्हिनी बन के जा रही ससुरारी, दुल्हिनी बन के में दुल्हन बनी है, अभी नकली दुल्हन है लेकिन जा रही है। सब लोग तालियां बजाओ, जा रही ससुरारी दुल्हिनी बन के, जा रही ससुरारी दुल्हिनी बन के। नमस्ते कल करिए तुम शिशुपाल के संग ब्याह हो, जा लाए मालू जय असली ब्याह पर जाए रही जारो पिया तुम्हार, तुम ही दिन के जा रही ससुरार, तुम ही दिन के जा रही ससुरार, तुम ही दिन के। मम्मी से नमस्ते कर ली, गलियारे नम रास्ता में रोड पर पहुंच, दू सहेलियां उधर से आई रही मिलन वाली, इनकी सहेली हाथ हाथ डारे आवे और इन्हें थाली रख दई एकदम चिपट गई बहना, नमस्ते बहन गाल लगी काय को रो रही, शादी तो परसों आए तो नहीं मेरा तुम क्या जान ले हम आज ही जा रही, एक एक वासु नौ नौ मन को डंडी भगवान करे पेट में लड़ुआ खूब पेट में लड़ुआ और खुश रहे यहाँ ना तुम्हारा
भगवान की। इधर भगवान मंदिर पर खड़े बैठे हैं रथ पर और इधर रुक्मिणी मंदिर पर पहुंची। अब रुक्मिणी ने एक नजर से भगवान को देख लो, दो लड़कियां गेट पर खड़ी रुक्मिणी मंदिर के अंदर घुस गई। रुक्मिणी ने खूब दुर्गा मैया को नहलवाओ और रुक्मिणी ने पूजा करी है। जहां पर रुक्मिणी दुई अगरबत्ती लगाती रहे, रुक्मिणी ने डिब्बे माचिस लगाए थे मारे खुशी। जब सोचने लगी अब हमें रोज रोज पूजा थोड़े करवे, अब तो हमारे कन्हैया आ गए। अब पूजा करके बाहर निकली, बिटिया कहन लगी दोनों रखवाली प्रतीक जी जी घरे चलो, भैया को कहे बो है काउ से पास ना कर भी, एक दिन की बात रहेगी कल शादी हो जाएगी, वे दूल्हा बने बैठे हैं शिशपाल। और रुक्मिणी कहन लगी बहना कल जब आ ही रहा है, जब कल ले आ ही रहा है तुम चुप कालो कलूटो कौन बैठो। रुक्मिणी बोली कि जब रथ पर कालो कलूटो कौन बैठो। लड़कियां काले की जी जी नहीं नहीं चलो बात नहीं करना है। रुक्मिणी मारी क्यों नहीं भैया की ठग जी चलो। रुक्मिणी भगवान के, रुक्मिणी का मतलब है पास पहुंच जाओ। रुक्मिणी में लड़कियां खड़ी, रुक्मिणी पास पहुंची। ए तुम कहां रहते हो। भगवान बोले हर जगह है। लड़कियां बोली जिजी देखो पना के सिर है। जिजी ने पूछी कहां रह रहे, कह रहे हर जगह रह रहे। सही कह रहे, मैं तो अंतर्यामी है। रुक्मिणी बोली ये तुम्हारे हाथ में क्या है। भगवान बोले बसुरिया कि जादू का होते कि बजाई जा। रुक्मिणी काल लगी बजाए दे एक बात कहां एक पैगो आगे बढ़े सोचे पास पहुंच जाए। जब बसुरिया बजाई जाती हाँ बजाए दे। भगवान बोले हम बजाए दे बसुरिया और जब दुश्मन सब तोड़ दे हमारी बसुरिया। अरे जी जो 11 छड़ी फौज लगी है जो तो हमारे लिए तो लगी है, हमारे इंतजार में बंसी नाय बजेगी। रुक्मिणी कान लगी तो फिर बंसी हमें दिखाई दे, इनको मतलब है हम पास पहुंच जाए। पर भगवान बोले हम बंसी दिखाएंगे भी नहीं, हमारी बंसी बहुत कीमती है। पर रुक्मिणी कान लगी बंसी तुम्हारी का कीमती, हमारी बंसी के मां चटक ले जा। यहां है कीमती सुनो कि कुबेर घराए कुबेर जनों में परुषिक नाम कटाए धरी है। कुबेर के घड़ा में पेड़ जब कुबेर घड़ाए कुबेर जमान में परुषिक नाम कटाए धरी है। अरे से सजाती महेश से तेरी प्रभाने जम छेद करी है। अरे सोमागी रही देखना को मेरी अरबन खरबन की पसुरी है। भगवान बोले कुबेर घड़ाए तो पेड़ जमा मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी ब्रह्मा ने जम छेद करी है। सो मांग रे देख न को मेरी अरबन खरबन। नजर बाद की नजर पड़ी, गले से नहीं है ताची माचिस कही है। नजर बाद की नजर पड़ी तो नजर चुरा के नजर से देखा। देखो समझ लो कथा को, यहाँ पर पूर्णानंद है। ऐसे रुक्मिणी ने बढ़ाओ हाथ और कन्हैया ने बढ़ाई बंसी, ऐसे भगवान ने बंसी बढ़ाई और रुक्मिणी ने ऐसे हाथ बढ़ाओ तो भाव का भाव बेज होने वालों हो तू। अब मैं बिटिया दोनों खड़ी और भगवान ने कहा करो कन्हैया ने आज पकड़ी कलाई अब रुक्मिणी की अवरत तेज लई थी बेठा। सुनो कि वीरस की कथा है महाभारत की। आप पकड़ी कलाई अब रुक्मिणी की अवरत तेज लई थी बेठा। बागदाद हेर भोलन की भोला जसवंत लोग मलगा।
श्याम ने मुकुमणी का हरण कर लिया और भगवान ने घोड़े खींचे, घोड़ा आसमान पहुंच गए। बैठी बिटिया रहा कहा लगे चिंची आज मार डारी जाओ कि नौकरी उछली जाए कि बुकुर भैया चिंता ना छोड़ो। अब भजी बिटरी आज मंदिर से गई महल की सूर लगा और राजा भी सबके आगन में बिटिया की तमारो था। भैया रुको बुकुर चलेगा क्या हो गया? अरे बुकुमड़ी कहा, बुकुमड़ी कहा गई तो कहा बोली परिया परिया तो साधु चिंची को लगे परिया करिया तो साधु रुकमणी को लगे। अरे रुकुम तिलक क्या है, क्यों नहीं बता रही है? रुकमणी का तो भैया कोई कालो कलो तो चलो आओ, बाने जीजी को हाथ पकड़ लो और जीजी को रथ पर बैठा के ले चलो गो। भैया हमें कोई दुख ना लगो, हमें दुख ज्यादा तो लगो कि बचपन में संग साथ साथ खेली और जब जीजी गई बिन्ने हम पे टाटा भाई नमस्ते के छुटे करी। आज मेरे श्रोता बंधो रुकम समझ गया उस शिष्य के अलावा कोई नहीं होगा। रुकम ने अपने फौज को सजवा दिया और आगे भगवान कन्हैया को घुलवा और श्याम ने रथ लगा दिया और रुकम ने बयान से तलवार खींची। अरे श्याम मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ सकता, तूने दही के धोखे चूना चाटा है। अभी तक मटकियां चुराता रहा, अब लड़कियां चुराना शुरू कर दिया, तुझे छोड़ नहीं सकता। मेरे श्रोतागण बंधुओं प्रमाण ये मिला है। रुकम कहने लगा ये सिपाहियों मार दो सिपाही तुम्हारा हीर को, छीन लो मेरी बहन को। भैया अरे जितनी ये फौज है ये रुकम की सबका नाते पकड़ी पड़ा है। भगवान श्याम ने विशाल युद्ध किया, सारी फौज को मार दिया। शिष्यपाल रुको हार करके शिष्यपाल के पास पहुंचा, सारी बात बताई शिष्यपाल ने। शिष्यपाल के बड़े भैया ने विशाल युद्ध किया, दंड बकर क्षेत्र में मारा गया। श्री सुखदेव जी ने बताया कि शिष्यपाल जो था वर छोड़ के भाग गया। आज भगवान कृष्ण उधर से बलराम आ जाते हैं और बलराम और कृष्ण रुक्मिणी को वापस ले जाकर के द्वारिका में पहुंचते हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया भगवान कृष्ण का द्वारिका में विवाह होता है। विप्रो को बुलवाया गया, द्वारिका की सभी मालाएं आती हैं बड़े भाव से। मेरे श्रोतागण बंधु आज हम आपको कैसे विवाह भगवान का हुआ, कैसे धामने पड़ती हैं सब लोगों से निवेदन होगा। हमने बताया कथा सुनने वाली है बल्कि देखने वाली नहीं। आज भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को द्वारिका में ले जाते हैं और रुकम को पीछे बांध के ले गए, हाथ वहां खोल दिया है। रुकम पैर पूजेगा,
माता पिता तो कमरा में वहां बंद है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, आप ही लोग सबको रुक्मणी की शादी होगी। कन्यादान में कन्यादान हिंदू धर्म में महादान होता है, इससे बड़ा कोई और आज कथा में एक ही दिन मैंने कन्यादान रखा है। वैसे रावण का विवाह कन्यादान होता है, शंकरों के विवाह होता है, तो आज रुक्मणी विवाह में जो कन्यादान जिससे जो सुविधा हो, कोई वस्त्र दान करेंगे, कोई साड़ी दान करेंगे, कोई श्रृंगार दान करेंगे, कोई पांच फूल दान करिए, जो जिससे सुविधा हो, कोई आरोप नहीं, उनके नाम बोले जाएंगे और ये भगवान के चरणों में आप लोग दान करेंगे, जैसी जिसकी भावना है उसे वही मिलता है। तो बड़ा सुख रहे, अब भगवान का द्वारिका में विवाह होने जा रहा है। ये 50 मुद्रा सुनील पाल द्वारा प्रवासी भगवान चरण धाम की जय जयकार हो। भगवान की जय हो। अब द्वारिका में भोड़ी पर जाए फेरी, आज बंद कुछ नहीं करेंगे, अभी बहुत बहुत इसके बाद और विवाह कराएंगे, भगवान भगवान की शादी माता ध्वंस कराएंगे, अभी देखो तो ऐसे ही होने करो। वैसे हम देखा था तुमको बहन से कीर्तन करवाओ ना करेगी, भगवान को नाम ना लेगी, अगर कब ब्याह शादी हो तो देख ले। एक जगह हम एक शादी में गए तो उनकी पांच बहने रहे हमारे दोस्त की, अब बजो बैंड तो गाना दीदी कौन सुना में आज मेरे यार की शादी, अरे हम कहना है भैया के याद रखो वो समय जो पगले आए जाओ करती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आज भगवान श्याम की शादी है। बड़े भाव से मेरे श्रोतागण बंधु, आज भगवान कन्हैया की गांठ जोड़ी जा रही है रुक्मणी के साथ, सभी बालाएं बालिका की हैं और सभी मित्र हैं और भगवान की शादी होने जा रही है, सब लोग बोलेंगे बड़े भाव से, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी आज मेरे श्याम की शादी।